अगर आप किसी बेजुबान जानवर को बेवजह परेशान कर रहे हो, उसे बेवजह छेड़ रहे हो, तो एक छोटा सा जानवर भी आपके लिए घातक साबित हो सकता है। वो आपकी जान तक ले सकता है। लेकिन अगर आप इन्हें कुछ ना कहें और अपने काम से काम रखें, तो एक खतरनाक जानवर भी आपको कुछ नहीं कहेगा। और इसी चीज को प्रूव करने के लिए इंडिया में एक बंदे ने अपने आप को 72 घंटों तक 72 खतरनाक सांपों के साथ बंद रखा, और आप बिलीव करेंगे कि 72 घंटे बाद वो वहां से जिंदा वापस आया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वो सिर्फ ये प्रूव करना चाहता था कि अगर आप सांपों को कुछ ना कहें, ना ही उन्हें छेड़ें, तो वो आपको बेवजह काटते नहीं हैं। गाइस, आप इसे घर पे ट्राई मत करेगा। सिर्फ एक सिंपल सा मैसेज है कि आप जानवरों को जीने दें, इन बेजुबान जानवरों को कुछ ना कहें। इंग्लिश में ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जिनके बारे में हमें अच्छे से पता नहीं होता, इसी वजह से हम उन्हें गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं में से दो वर्ड्स हैं पॉइजनस एंड वेनमस। गाइस, मान लीजिए कि आपने कोई ऐसी चीज खाई है या फिर ऐसा कोई एनिमल खाया है जो कि जहरीला है, जिसकी वजह से आपकी मौत हो गई है। इन दैट केस वो चीज या फिर वो एनिमल आपके लिए है पॉइजनस। लेकिन अगर कोई एनिमल आपको बाइट करे या खाए और उसकी जैसे आपकी मौत हो जाए, इन दैट केस वो आपके लिए पॉइजनस नहीं है, वो आपके लिए है वेनमस। जैसे कि स्नेक आपके लिए है वेनमस। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।